हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आपके अपने चैनल प्रीति क्वीन होम किचन में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए नई डिश लेकर आई हूं। मैंने यहां पर दो कटोरी मटर लिया है, उसे बॉईल करने के लिए रख दिया है। पानी ऐड किया है इसमें मैंने, और इसमें ऐड किया है नमक। अब हम इसे बॉईल करने के लिए रख देंगे। मैंने यहाँ पर लिया है एक पैन, उस कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला है कम से कम 2 बड़े चम्मच, और इसमें हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे। और इसमें मैं ऐड करूँगी करी पत्ता और काली मिर्च थोड़ा सा। मैं यहाँ पर हींग और जीरा मैं यहाँ पर ऐड करूँगी, और इसे हमें अच्छे से भून लेना है। और हमारे अच्छे से भून लेने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज। मैंने यहाँ पर 2 बड़ी प्याज काट ली थी, और इसे मैंने यहाँ पर भूनने के लिए डाल दिया है। अब मैं यहाँ पर इसे अच्छे से हमें यहाँ गोल्डन होने तक भून लेना है। और यहाँ पर मैं ऐड करूँगी 1 चम्मच नमक। नमक की यहाँ पर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। और यहाँ पर मैंने 1 चम्मच नमक ऐड कर दिया है। अब इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। और मैंने यहाँ पर एक पेस्ट बनाया था, वो मैं आपको बताना दिखाना भूल गई हूँ। तो मैंने इसमें 4 टमाटर और हल्दी और यहाँ पर मैंने मिर्च ऐड किए थे, और मैंने अदरक लहसुन इसी में ही डाल लिया था। और अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगी बेसिक से मसाले। यहाँ पर हल्दी, धनिया, मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला मैंने यहाँ पर ऐड किया है। अब इसे हमें भून लेना है, और हमें जब तक भूनना है तब तक ये ऑयल ना छोड़ दे। और ये चारों तरफ से जब ऑयल रिलीज़ हो जाएगा तो आप समझ लीजिएगा कि हमारा जो मसाला है वो बहुत अच्छे से भून चुका है। मैंने यहाँ पर ऐड किया है मसाला, जो पनीर मसाला होता है वो मैंने यहाँ पर ऐड किया है। देखिए यहाँ पर हमारा जो ऑयल है वो रिलीज़ होने लगा है। तो आप समझ लीजिएगा हमारा मसाला भुनकर तैयार हो गया है। अभी मैंने यहाँ पर डाला है पनीर। यहाँ पर इस पनीर को भी अच्छे से हम 5 से 10 मिनट के लिए रोस्ट कर देंगे। और जो हमने मटर बॉयल किया था वो मैंने यहाँ पर डाला है। देखिए कितने अच्छा इसका कलर आया है दोस्तों। बहुत अच्छी रेसिपी है, और बहुत ही इजी है, बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। और जब तक मेरी ये रेसिपी बन रही है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स करें। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए हमारा यहाँ पर ये जो मटर पनीर है वो बनकर तैयार हो गया है। मैंने यहाँ ऐड किया है हरा धनिया। हरा धनिया जब तक हम ऐड नहीं करेंगे तो सब्ज़ी में मज़ा नहीं आएगा। आप हरा धनिया ज़रूर ऐड करिएगा। देखिए यहाँ पर कितना अच्छा कलर आया, कितने अच्छी लग रही है ना देखने में, बहुत ही टेस्टी बनी है दोस्तों। अभी मैं ही इसे यहाँ पर मैं लच्छा पराठा बनाऊंगी दोस्तों, और अलग ही तरीके से मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी बनाना। ना इस यहाँ पर काटना है ना कुछ करना है, आप इस तरह से करेंगे ना फोल्ड, तो ये एक ही अलग ही यूनिक तरीके से बनके तैयार हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा से यहाँ पर हमारा ये लच्छा पराठा बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पर इसको अच्छे से बेल लूँगी, और बेलने के बाद हम इसे क्या करेंगे, सेकेंगे। और यहाँ पर देखिए मैं अच्छे से दोनों तरफ से अलट पलट करके हमें यहाँ पर सेकना है। यहाँ देखिए मैंने यहाँ पर पचा दिया है, और अब हम इसमें लगाएंगे घी। आप कोई भी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल किया है। आप रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। आप जो भी घी खाना चाहें आप उस घी का यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। और यहाँ देखिए मैं अच्छे से इसे अलटते पलटते दोनों तरफ से यहाँ पर हमें सेक लेना है। ये दोस्तों मैं आटे का ही बना रही हूँ, इसमें मैंने मैदे का यूज़ नहीं किया है। आप चाहें तो मैदा भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैदे का एक थोड़ा सा अलग इसमें कलर आता है, लेकिन यहाँ पर देखिए आप बता नहीं सकते कि ये मैदे का है या आटे का है। मैंने यहाँ पर आटा जो हम लोग खाते हैं वही आटा हमने यहाँ पर यूज़ किया है। देखिए कितना अच्छा बन के ये लेयर्स दिख रही हैं आपको, ये कितनी प्यारी यहाँ पर लेयर आई है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो उसे लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर मैंने ये लच्छा पराठा के साथ यहाँ पर सर्व किया है, और इन्जॉय कीजिएगा। और मेरी रेसिपी को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा।